इस टाइम 13,000 वाला बजट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जो 15,000 वाले फ़ोन्स में फीचर देखने को मिलते हैं वही फीचर आपको 10,000 से 13,000 वाले फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आज आपको टॉप 5 फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा जो कि 13,000 के बजट में आते हैं। इन फ़ोन्स में आपको 50 MP का रियर कैमरा, गेमिंग प्रोसेसर और 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। सो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना। अब बिना किसी इंट्रो के साथ वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत हम 5th नंबर से करें तो 5th नंबर पे नाम आता है इन्फिनिक्स 11S का। ये स्मार्टफोन 20 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 12,999 रुपये में फ्लिपकार्ट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको 6.95 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसके प्रोसेसर के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। रैम के तौर पर इसमें आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम बात करें फोटोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होगा। अदर सेंसर के तौर पर इसमें आपको 2 MP का मैक्रो कैमरा, 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। और फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। अब हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ के बारे में तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड V11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। अब हम बात करें स्मार्टफोन के वेट के बारे में तो स्मार्टफोन का वेट 212 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही माना जाता है। कनेक्टिविटी फीचर के तौर पर इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। 4th नंबर पे मैं बात करूँ तो 4th नंबर पे नाम आता है रियलमी नार्जो 50A का। ये स्मार्टफोन 24 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 11,499 रुपये में अमेजोन पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। रैम के तौर पर इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम बात करें फोटोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होगा। अदर सेंसर के तौर पर इसमें आपको 2 MP का मैक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है, जिसमें आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में तो इसके फ्रंट में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि स्क्रीन फ्लैश लाइट के साथ आता है, जिससे आप HD में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले पाएंगे। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिजाइन के बारे में बात करूँ तो ये स्मार्टफोन का बैक प्लास्टिक का बना है। ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे, एक तो ऑप्शन ग्रीन में और दूसरा ऑप्शन ब्लू में मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको 207 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल ही माना जाता है। कनेक्टिविटी फीचर के तौर पर इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। 3rd नंबर पे हम बात करें तो 3rd नंबर पे भी नाम रियलमी के स्मार्टफोन का आता है जो कि Realme 8i है। ये स्मार्टफोन 9 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी एक्चुअल कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 13,997 रुपये में मिल जाएगा, पर ई कॉमर्स वेबसाइट पर अक्सर ऑफर चलती रहती हैं। उस ऑफर के तहत आप खरीदेंगे तो आपको ये बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6.60 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब हम बात करें इसके रियर कैमरे के बारे में तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होगा। अदर सेंसर के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 2 MP प्लस 2 MP के अदर सेंसर देखने को मिलेंगे जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आते हैं। इसके फ्रंट कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करें इसकी रैम के बारे में तो इसकी रैम के तौर पर इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
कनेक्टिविटी फीचर के तौर पर इसमें आपको वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और 4G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पे नाम आता है शॉमी का रेडमी नोट 10 का। यह स्मार्टफोन 16 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 12,999 रुपए में मिल जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो की कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास V3 से पूरी तरह प्रोटेक्टेड होगा। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि आप कोई भी गेम बहुत ही स्मूथली खेल पाएंगे। अब हम इसकी रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। फोटोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर में आपको क्वार रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 48MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर सेंसर के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। और ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है, क्योंकि इसमें आपको स्प्लैश प्रूफ IP53 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी फीचर के तौर पर इसमें आपको वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, 4G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। फाइनली अब हम बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है Xiaomi Redmi 10 Prime का। यह स्मार्टफोन 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 12,499 रुपए में Amazon पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। गेमिंग के लिए इसमें आपको MediaTek Helio G88 का प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। रैम के तौर पर इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अब हम बात करें फोटोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में, तो इसके रियर में आपको क्वार रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 50MP का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा। अदर सेंसर के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। और फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन भी वाटरप्रूफ है, क्योंकि इसमें आपको स्प्लैश प्रूफ देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें तो ये स्मार्टफोन 192 ग्राम का है और इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की बनी हुई है। कनेक्टिविटी फीचर के तौर पर इसमें आपको वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, 4G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। ये थे टॉप 5 ऑल राउंडर स्मार्टफोन जो कि 13,000 की रेंज में आते हैं। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप किसी और कैटेगरी या किसी और बजट का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।